बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों का होगा यूनिवर्सल अकाउंट। यूनिवर्सल अकाउंट कर्मचारी भविष्य निधि से किए जाएंगे अंशादित। विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया निर्देश। 3.5 लाख शिक्षकों के ईपीएफ योजना लागू। 30 तक प्रक्रिया पूर्ण करने का शिक्षा विभाग का लक्ष्य। फॉर्मेट में ब्यौरा 30-20 तक नोडल अफसरों को उपलब्ध कराने के निर्देश। हर शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष का खुलेगा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकायों के अंतर्गत कार्यरत है बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर खुलेगा। उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि से अंशादित करने के लिए यह खाता खोला जाएगा। शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने शुक्रवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर खोलने के लिए शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों का पूर्ण विवरण दे। गौरतलब हो कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकायों के अंतर्गत कार्यरत राज्य के 3.5 लाख शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को 1 सितंबर 2020 के प्रभाव से ईपीएफ स्कीम लागू की गई है। बता दें कि इस स्कीम को लागू करने के लिए बिहार झारखंड के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने शिक्षा विभाग से शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर खोलने में विभाग का सहयोग देने का अनुरोध किया है। माध्यमिक निदेशक ने भी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि वे शिक्षकों का ब्यौरा एक्सेल शीट में तैयार कर उसकी सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जिलों में नामित उनके नोडल पदाधिकारियों को 20 सितंबर तक उपलब्ध कराने को कहा है। 30 सितंबर तक खाता खोलने की कार्यवाही पूर्ण की जानी है। इधर यह भी बताते चले कि माध्यमिक निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने जिलों को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष 31 अगस्त 2020 तक प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत थे, उनके लिए ईपीएफ स्कीम से अंशादन हेतु उसकी नियुक्ति की तिथि 1 सितंबर 2020 होगी। भविष्य में नियुक्त होने वाले शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए ईपीएफ स्कीम से अंशादित हेतु डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनकी सेवा में योगदान की तिथि ही होगी। इधर आपको बताते चले कि राज्य में 3.5 लाख पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए ईपीएफ योजना 1 सितंबर से लागू हो गई है। इसके लिए हर शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर खुलेगा। यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों से संबंधित ब्यौरे 20 सितंबर तक कर्मचारी भविष्य निधि द्वारा हर जिले के लिए नामित उनके नोडल अफसर को उपलब्ध कराने के निर्देश शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह द्वारा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए हैं। इधर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश में अपर सचिव सह माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने कहा है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए इम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 ईपीएफ स्कीम को 1 सितंबर 2020 के प्रभाव से लागू करने का निर्णय है। इसे लागू करने के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को बिहार व झारखंड के अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त से संबंधित शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर खोलने में शिक्षा विभाग को सहयोग देने का अनुरोध किया गया है। इसके लिए संबंधित फॉर्मेट में आंकड़ा एक्सेल शीट में तैयार करा उसकी सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा जिले के लिए नामित उनके नोडल पदाधिकारियों को 20 सितंबर तक उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सौंपी गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को फॉर्मेट भी जारी किए गए हैं। पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थानों के जो शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष गत 31 अगस्त तक प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत थे, उनके लिए ईपीएफ योजना से अंशादित हेतु फॉर्मेट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 सितंबर 2020 होगा। भविष्य में नियुक्त होने वाले शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए ईपीएफ योजना से अंशादन हेतु डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनकी सेवा में योगदान की तिथि होगी। इधर बताते चले कि बिहार के शिक्षकों को ईपीएफ से जोड़ने के बाद बिहार के शिक्षकों को 7 लाख इंश्योरेंस का भी फायदा मिलेगा। खबरों में आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करेंगे। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की खबरों से आप रहें अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।